हेल्थ की बात हो रही है। पहले हमने बढ़िया चिकन बनाया बिना फ्राई किए हुए, अब सोया हुआ पुलाव बनाएंगे जो खाते ही आपका परिवार जाग जाएगा, और जागने के बाद क्या करेगा, ओ जी बोलेगा नमक शमक डाल देते। आहा क्या बात है, ये तो करना ही चाहिए, एनर्जी है जी। इसमें नमक डालने वाली बात अब रह नहीं गई, अब ये जो है ये दुनिया में फैल गया है। जिसे खुश होना है वो ये गाना गाता है, मैं तो हमेशा गाता हूँ, चाहे इस शो में हूँ या नहीं हूँ मैं गाते रहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एनर्जी क्वेश्चन हैप्पीनेस क्वेश्चन है। अब ये जो रेसिपी है ये आपके परिवार को खुश कर देगी। कई बार ऐसे होता है चावल बच जाता है तो आप क्या करेंगे, भाई ये सोया पुलाव बनाइए मशरूम के संग, मज़ा आ जाएगा। और सोया के लिए मेरे पास है ये सोया चंक्स, चलिए हम और आप मिलके बनाते हैं ये यम 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 वाला पुलाव। चलिए इसके लिए हेलो जी शुरू हो गया जी, विलायती कढ़ाई रख दी मैंने, और विलायती कढ़ाई में ये तेल, इसमें ये बेबे वाला अदकर, ठीक है जी ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही डालेंगे, एक छोटा चम्मच ये चक्री फूल, ये चक्कर खाते 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 इस विलायती कढ़ाई में गिर गई मिस सिनेमन। सिनेमन का नाम लेते ही मिस जुड़ना पड़ता है जी, क्योंकि इतना प्यारा नाम है ना सिनेमन, उफ पता नहीं ऐसे मुझे फीलिंग आती है। ये ब्लैक पेपर, ये बोलने में ऐसे लगता है कि कितना कड़क होगा मतलब, और वैसे ही मुंह में आ जाए एक बर्स्ट हो जाए तो धुआं निकलने लगता है, और ये मिस्टर डेंटिस्ट दांत में अटक जाए तो दांत के कीड़े जो है भागने लगते हैं यहाँ वहाँ। ये हो गया, और ये मिस बेलीफ, उफ कई बार ऐसे नाम रख देता हूँ मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लगता है मज़ा आता है। ये लीजिए क्या बात है, ये सारी चीज़ें डाल ली, मेरे पास मशरूम्स है मैं ये भी डाल लेता हूँ, फ्रेश बटन मशरूम्स ये डालिए। सोया को मैंने क्या किया है भिगो के रखा है, बिल्कुल बढ़िया पानी में भिगो के रखा है, और मशरूम के संग यहाँ सोया भी डाल लेता हूँ। हेलो जी बड़ा मज़ेदार होता है एक्चुअली, मैं बताऊँ कई बार तो जो सोया पुलाव जो है ना जैसे कच्चे चावलों से बनाया जाए तो मज़ा उसमें भी आता है, ये थोड़ा सा हट के है ताकि आप घर पे फटाफट बना सको। और फटाफट बनाने के लिए सोया को गर्म पानी में उबाल लीजिएगा ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए, वरना सॉफ्ट होने में काफ़ी समय लगता है। और क्योंकि ये झटपट वाली हेल्दी रेसिपी है बिल्कुल मज़ेदार वाली, तो ये सारी चीज़ें आप डाल लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें नमक चमक डाल लेते हैं, ये नमक चमक डाल देते हैं, नमक चमक आहा क्या बात है। ये चाइनीज़ तरीका है, वो स्पाइसेस डालते हैं ना बड़े कमाल की तरीके से डालते हैं, ऐसे डालते हैं उड़ के जाता है ऐसे लगता है। हेलो जी नमक डल गया, नेक्स्ट पाव भाजी मसाला ये मैं डाल लेता हूँ डेढ़ बड़ा चम्मच, और ये लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं वो भी डाल लेते हैं चॉप, घर पे बच्चे नहीं खाते तो ध्यान से डालिएगा। साथ साथ टमाटर क्यूब्स, दो बड़े टमाटर के क्यूब्स डाल लें, अब इसे 3-4 मिनट तक भूनिएगा, मुझे टमाटर को गलाना नहीं है इस तरह से पका लेना है, और थोड़ा सा थोड़ी देर 3-4 मिनट तक, उसके बाद इसमें पानी डाल लें ये लीजिए, और पानी डालने के बाद इसे बस इस तरह से छोड़ दें थोड़ी देर तक ताकि मसाले जो हैं वो सोया के अंदर तक अच्छी तरह से चले जाएं। और अब जब तक ये पकता है तब तक एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा धनिया, हेलो जी मिस्टर कोरिएंडर मोटा मोटा काट लेता हूँ, बारीक नहीं काटते, मिस्टर कोरिएंडर को भी लेके ये इसमें डाल लेते हैं। आहा ये पाव भाजी का जो मसाला है ना इससे खुशबू बढ़िया हो जाती है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास पके हुए चावल हैं पहले से ये मैं ले लेता हूँ, और ये यूं फैला देते हैं टिफ़िन के लिए, ये परफेक्ट शाम के वक्त जो टिफ़िन बनती है ना, कई बार हम तड़के वाले चावल बना लेते हैं, ये बन गए बिल्कुल हेल्दी, बच्चों को बना के खिलाएंगे उनको सोया पसंद आता है डेफिनेटली यस। इस तरह से थोड़ी देर के लिए रखूँगा ताकि जो मसाले का फ्लेवर है
वो पूरे चावल में भी मिल जाए और फटाक से ड्राई हो जाएगा, फिर परोसेंगे मज़ेदार। थोड़ी देर पकने देते हैं, 2-3 मिनट तक, देखिएगा सूख जाएगा बिल्कुल। फाइनली इसमें ये आधा नींबू काट लिया और ये नींबू का रस ये मैं चावल में डाल लेता हूँ। और अब मैंने इतनी देर से मिलाया नहीं था ये देखिए चावल को, अब मैं मिला लेता हूँ। तेज आंच पे पकने देते हैं, तब तक पकाएंगे जब तक पानी बिल्कुल सूख ना जाए, बिल्कुल मॉइस्ट पुलाव बनाएगा मज़ेदार। ये देखिए चावल अब बिल्कुल तैयार, थोड़े से मॉइस्ट ही रखे हैं मैंने ताकि खाने में बिल्कुल मज़ा आए। मज़ेदार बन गए हैं पाव भाजी का मसाला, ओहो उभर के आ रहा है बिल्कुल, और सोया चंक्स के साथ खाने में इतना मज़ा आएगा पूरा। एंड गर्मा गर्म एक बोल मिल जाए खाने के लिए तो मज़ा आ जाएगा। लास्ट में ये लीजिए, ये धनिया ये डाल लें और अपने आप इसमें 4 चांद लग जाते हैं। धुआंधार चावल मिले आपको ऐसे, मतलब दोपहर के सोने के बाद आपको मशरूम और सोया पुलाव मिले तो नींद भाग जाएगी, जाग जाएंगे आप और खा के बस घंटे बाद फिटनेस के लिए भागिएगा, क्योंकि ये जो है ना बिल्कुल फिट है और हिट है।